नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम लाजवंती के पौधे के बारे में, उसके औषधीय गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लाजवंती नाम से ही समझ में आता है कि इस पौधे को छूने से ये शर्मा जाता है, ये पत्तियों को सिकोड़ लेता है, क्योंकि जैसे हम छूते हैं टाइगर पावर की वजह से इसका जो पानी होता है वो तने में चला जाता है और इसकी अकड़न जो होती है कम हो जाती है, इस वजह से ये मुरझा जाता है। इसके बाद इसके आपके फूल भी आप देख सकते हैं, इसके गुलाबी रंग के फूल होते हैं जो इसके चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, आप ये देख सकते हैं फूल इसके। आयुर्वेद औषधि के रूप में इसको काम में लिया जाता है। लाजवंती की खास बात यह है कि हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और हाथ हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में आती है, यही इस बूटी की खास पहचान है। इस प्रजाति के पौधे अनेक रूपों में मिलते हैं, इनके फूल गुलाबी रंग के तथा छोटे होते हैं। इसकी जड़ स्वाद में अम्लीय, कठोर और कसेल प्रकार की होती है। चरक संहिता के संधानीय एवं पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में और सुश्रुत संहिता में इनके गुणों का वर्णन किया गया है। लाजवंती प्रकृति में ठंडे तासीर की होती है, स्वाद इसका कसैला होता है और आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जिनमें कफ पित्त को दूर करना, पित्त यानी नाक कान से खून बहना, दस्त पित्त सूजन जलन अल्सर कुष्ठ रोग योनि रोगों से आराम दिलाता है। लाजवंती के पत्ते ग्रंथ पगंदर गले का दर्द क्षत यानी छोटी मोटी चोट लगती है कट जाता है घाव हो जाता है उसमें काम देता है। अल्सर अर्स पाइल्स तथा रक्तस्राव में लाभप्रद होते हैं। इसका पंचांग मूत्राशय की पथरी सूजन आम बुहात यानी पेट की सूजन या गठिया तथा पेशी के दर्द में लाभप्रद होता है। इसकी जड़ श्वास संबंधी कष्ट अतिसार या दस्त अस्मरी या पथरी या मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभप्रद होती है। विष का असर कम करने, मूत्रल या ज़्यादा मूत्र होने, विबंध कारक या कब्ज नाशक, पुयरोधी एंटीसेप्टिक रक्त शोधक और खून को साफ करने वाली होती है। किसी पुरुष की कामना तेजना उम्र के साथ या किसी गलती के कारण कम हो जाती है, इसका सेवन करने से वो बढ़ जाती है। बल कारक घाव को जल्दी ठीक करने में सहायक होने के साथ साथ सूजन विष प्रमेह या डायबिटीज के उपचार में सहायता करती है। इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है और इंग्लिश में इसको सेंसिटिव प्लांट के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर नोट के नाम से भी जानते हैं, बाकी संस्कृत में इसको लज्जालु नमस्कारी अंजलि कारिका समंगा समीपत्रा रक्तपादी जल कारिका और हिंदी में इसको लाजवंती छुई मुई लजारू लाजवंती लज हुई उड़ीसा में लाजपुरी और कन्नाडा में इसको नाचिकेड़ा लज्जा और गुजराती के अंदर रेशमणि और इसको तमिल में थोटा सिमिंगी टोटल वड़ी और तेलुगु में इसको मुणुगु दाम लघु बंगाली में लाजवंती और मराठी में लाजालू लाजरी और मलयालम के अंदर टोटावडी के नाम से जानते हैं। इसके फायदे अनेक हैं जिसका हम एक एक करके इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें आपके देखिए गलगंड यानी गले में सूजन आ जाती है, में छुईमुई का फायदा है। लाजवंती के सेवन करने से ग्लैंड का सूजन और तपेदिक किसी भी प्रकार की बुखार होती है, इसके लिए 10-20 मिली लाजवंती के पत्ते के रस को नियमित पीने से गंडमाला में लाभ होती है। खांसी में ये राहत दिलाता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से हमेशा परेशान रहते हैं तो लाजवंती से इलाज कर सकते हैं और लाजवंती की जड़ को कपड़े में बांधने से और गले में लटकाने से मात्र से ही खांसी ठीक हो जाती है। रक्तस्राव रोकने में लाजवंती का प्रयोग अक्सर ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना
खा लेने के कारण या किसी संक्रमण के वजह से दस्त से खून निकलने लगता है तो लाजवंती का घरेलू उपाय असरदार तरीके से होता है। इसके लिए आप लाजवंती के 3 ग्राम जड़ के चूर्ण को दही के साथ खिलाने से रक्ताशयार में अत्यंत लाभ मिलता है, यानी चूर्ण है वो आपको दही के साथ खाना है। 10 ग्राम लाजवंती जड़ का 1 गिलास जल में काढ़ा बनाकर चौथाई अंश शेष हो जाने पर उस काढ़े को सुबह शाम पिलाने से भी अतिसार और मधुमेह में लाभ मिलता है। पेट फूलना अपच में फायदेमंद है। अपच दूर करने में भी लाजवंती काफी फायदेमंद है। डाइट या खाने पीने में गड़बड़ी होने पर ही अपच या पेट फूलने की समस्या होती है। 5 से 10 मिली लाजवंती के पत्ते के रस को पिलाने से अपच के कारण बुखार, कामला या पीलिया व सभी प्रकार के पित्त रोगों में लाभप्रद होता है। पैचिस होने पर उससे राहत दिलाने में लाजवंती का पौधा बहुत ही गुणकारी है। लज्जालू की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से पैचिस में लाभ होता है। किसी के बवासीर की समस्या होती है, बवासीर में ज़्यादा कब होता है, जब हम ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने के शौकीन हैं और या कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब गर्भताशी की तरह ग्रहण करता है, बवासीर होने की संभावना का बढ़ जाती है। बवासीर की समस्या होने पर अक्सर सोच के दौरान रक्तस्राव होने लगता है। इस समस्या को खूनी बवासीर कहा जाता है। इस समस्या में लाजवंती का उपयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार लाजवंती में कषाय रस होता है जो खूनी बवासीर में होने वाले रक्तस्राव को नियंत्रित करके बवासीर के लक्षणों को कम करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच लाजवंती पत्ते के चूर्ण को दूध के साथ सुबह शाम अथवा 3 बार देने से बवासीर में लाभ होता है। लाजवंती के जड़ तथा पत्ते 1 चम्मच चूर्ण को दूध में मिलाकर सुबह शाम देने से बवासीर और बगंदर दोनों में लाभ मिलता है। 1 से 3 ग्राम लज्जालू पत्ते के चूर्ण का दूध के साथ सेवन करने से भी अर्श में इस प्रकार से लाभ मिलता है। और इसमें आपकी माताओं और बहनों का एक सबसे बड़ी समस्या, वैसे बड़ी समस्या तो नहीं है लेकिन उम्र के साथ महिलाओं में स्तन ढीले होने के कारण होते हैं, तो अक्सर महिलाएं उम्र के साथ स्तनों में ढीलेपन की समस्या होने लगती है, लेकिन लाजवंती का उपयोग इस तरह से करने पर उसमें अश्वगंधा और लाजवंती की जड़ बराबर मात्रा में मिलाकर पीस कर इसका लेप करने से आपका जो ढीलापन है वो एकदम से खत्म हो जाता है। हाइड्रोसिल यानी पुरुषों के अंडकोश में पानी भर जाता है, उसमें भी अगर इस पत्तों का लेप किया जाए तो बिल्कुल उसमें आराम मिलता है। साइनस में भी आराम दिलाता है। साइनस के कष्ट और दर्द से आराम दिलाने में लाजवंती बहुत ही काम आती है। लाजवंती जड़ को घिसकर लेप करने से नारी वर्ण व वर्ण का सूजन कम होता है। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।